तुम्हें छोड़ कर नंद दुलारी कोई ना मीत हमारो, तुम्हें छोड़ कर नंद दुलारी रखी कि तू खिला जितना खिलाना हो, आखिरी में मैं सब देखूंगा क्या करना है। तो महाराष्ट्र के संत तुकाराम सशरीर बिठला में समा गए, मेवाड़ की दीवानी मीरा द्वारिकाधीश में समा गई, और बंगाल के चैतन्य महाप्रभु वृंदावन बिहारी लाल में समा गए। कैसे समाए? कीर्तन कलौ केशव कीर्तना। वेद व्यास जी लिखते हैं, यत फलम नास्ति तपसा ना योगेन समाधिना तत् फलम लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तना। कलयुग में केवल केशव का कीर्तन काफी है, कलयुग में केवल कृष्ण का कीर्तन काफी है, कलयुग में भक्ति काफी है। मैं हमेशा कहती हूं कि भगवान की प्रेयसी का नाम, भगवान की प्रेमिका का नाम है भक्ति, ठाकुर की ठकुरानी है भक्ति। और अब प्रेयसी बुलाएं, प्रेयसी का हम सहारा लें और प्रेमी को ना आना पड़े, संभव नहीं। हम भक्ति महारानी के चरण पकड़ लेंगे, ठाकुर जी अपने आप आकर के हमारी बांह पकड़ लेंगे, क्योंकि हमने भक्ति महारानी के चरणों को पकड़ा है। लोग मुक्ति के पीछे भागते हैं, लोग सिद्धियों रिद्धियों के पीछे भागते हैं। एक बार भक्ति के चरण पकड़ लो, रिद्धियां सिद्धियां मुक्ति आपके पीछे भागेंगी, आपको उनके पीछे नहीं भागना। ये भक्ति की महिमा है, जो बड़ी अद्भुत है, बड़ी निराली है, विचित्र है। तो कलयुग में कैसे प्रभु मिले? कीर्तन से मिलेंगे, मिलेंगे, विलंब होगा, थोड़ी सी देर हो सकती है, लेकिन मिलते हैं प्रभु, कृपा करते हैं प्रभु। तो श्रीमद् भागवत के महात्म्य के प्रथम श्लोक में श्री वेद व्यास जी महाराज भगवान के स्वरूप का वर्णन करते हैं, उन्हें प्राप्त करने का उपाय बताते हैं। आगे कथा आती है, नैमिषे अनमिषेत्रे ऋषयः सौनकादया सत्रम स्वर्गाय लोकायो
सहस्र सममासत। आगे कथा आती है, नैमी सारण्य नाम का तीर्थ क्षेत्र था जहां पर एक ऊंचे आसन पर श्री सूत जी बैठे हैं, सूत जी महाराज, और 88,000 सौनकादिक ऋषि पृथ्वी माँ की गोद में विराजमान हैं, और जो सूत जी महाराज से हाथ जोड़ करके निवेदन कर रहे हैं, हे सूत जी महाराज, अज्ञान ध्वान्त विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभो, सूताख्याही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे सूत जी महाराज, हम अज्ञानी हैं, हम मूर्ख हैं, हम अज्ञान से घिरे हुए हैं, लेकिन आपके पास जो ज्ञान है, जो तेज है, कहा कोटि सूर्य समप्रभो, करोड़ों सूर्यों के समान है। इसलिए सूता आख्याही मतलब कहिए, क्या कहूं, कथा सारम कथा कहो, और कहा भैया कथा भी कहो तो कथा सारम कथा का सार कहो, क्योंकि हमें कोई मनगणंत कहानी नहीं सुननी है, हमें कोई मनगणंत कथाएं नहीं सुननी है, हमें कोई भूत प्रेतों वाली कथा नहीं सुननी है, हमें कोई समाज की चर्चा नहीं सुननी है, हमें कोई घर गृहस्थी की बातें नहीं सुननी है। क्या सुनना है? कथा सारम कथा सुनना है, और कथा में भी सारम कथा का सार सुनना है। कहा कैसी कथा और कैसा कथा का सार? मम कर्ण रसायनम, जो हमारे कानों को ताकत दे, शक्ति दे, बल दे, ऐसी अमृतमयी, ऐसी रसमयी, पावन पवित्र कथा सुनाने की कृपा करे। सूत जी महाराज के निवेदन पर सौनकादिक ऋषियों के निवेदन पर सूत जी महाराज ने कथा कहना प्रारंभ किया और कहा, कालभ्याल मुखग्राशो त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम। कालभ्याल मुखग्राशो, कहा जब काल रूपी सर्प यमराज के दूत इतना बड़ा मुख फाड़ करके हमें लेने आते हैं, तो उनसे बचने और उनके द्वारा देने वाले कष्ट से मुक्ति पाने के लिए ये भागवत की कथा है।